आरती के लिए जहां पर माता के भक्त मंदिरों की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं मूर्तिकार भी माता के मूर्ति को अंतिम मूर्त देने के लिए जोरों से लगे हैं। बता दें, सालों से मुंगेली जिले में कलकत्ता से कई मूर्तिकारों की टीम नवरात्रि के 6 महीने पहले ही पहुंच जाती है, जो कि अलग अलग जगहों पर भगवान गणेश की मूर्ति के साथ साथ माता दुर्गा की मूर्ति पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर बनाई जाती है। और इन मूर्तिकारों के द्वारा कई स्थानीय लोगों भी अब मूर्ति बनाने में पारंगत यहाँ पर कर दिया गया। डेट में हम लोग का रेट, मतलब जो सामान के रेट बढ़ गया, लेकिन हम लोग का मूर्ति के रेट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आसपास से हमारा यहाँ ग्राहक मन आता है, लेकिन बात यही है ना, पिछले 16 साल जैसे चल रहा है वैसे रेट में लेने के लिए तैयार है। हम लोग ज्यादा बोलता हूँ तो ये लोग भाग जाता है। इनके द्वारा जो बंगाल से आए हुए हैं, निश्चित तौर पर जरा गाँव में 15-16 सालों से इनके द्वारा मूर्ति बनाया जा रहा है, मूर्ति बनाकर बेचा जा रहा है। इससे हमारे स्थानीय युवाओं को भी फायदा हुआ है। इनके पास मूर्ति बनाने के कला सीखकर वो आज खुद मूर्ति बना रहे हैं और निश्चित तौर पे अपना व्यवसाय चला रहे हैं। दूसरी बात, पर्यावरण को दृष्टिकोण से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर रोक लगा है, निश्चित तौर पे पर्यावरण के दृष्टिकोण से इनके द्वारा मिट्टी का मूर्ति बनाया जा रहा है और ये मिट्टी की मूर्ति से पर्यावरण का बचाव भी किया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुरार एक्सप्रेस।